सभी को नमस्ते। आज 8 अगस्त 2023, आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अजय चिरंगू के साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपने वो समाचार देख ही लिया है कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो जो जस्टिस गंजू थे उनकी हत्या वाले जो केस है उसको री इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, उसको दोबारा से खोला जा रहा है। ये मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। नीलकंठ गंजू थे जिनकी हत्या हुई थी आज से लगभग 34 वर्ष पहले, तो इस केस को रीओपन किया जा रहा है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो कई प्रकार के हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो इसके बारे में जानना चाहता हूँ। गंजू साहब जो थे ये जज थे जिन्होंने जेकेएलएफ के जो बानियों में से लीडर्स में से थे उस पे उनके केस पे उन्होंने जजमेंट दे दी थी मकबूल बख करके, और बाद में जब जेकेएलएफ जिन्होंने कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला शुरू किया हिंदुओं के खिलाफ, तो जेकेएलएफ ने अपने एक्टिविटीज में सबसे पहले इनको प्रमुखता से बनाया निशाना और इनकी हत्या कर दी। हम समझते हैं कि जिनोसाइडल किलिंग जो वहां पे हुए हैं, जो नरसंहार वाली जो हत्याओं का सिलसिला वहां पे शुरू हुआ उनमें से ये हत्या भी एक प्रमुख हत्याओं में से वहां पे थी। अब रही बात सरकार ने जो ये आज निर्णय लिया, इसका मतलब है कि वो इस हत्या के पीछे जो विभिन्न आयाम है शायद उनको फिर से देखना चाहती है। अब वो क्यों देखना चाहती है इसके बारे में भी हम पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे दृष्टिकोण से जो नीलकंठ की हत्या थी इसके दो आयाम थे। एक आयाम थी कि ये उस वक्त जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट के बारे में निर्णय दिया और उसकी प्रतिक्रिया में जेकेएलएफ ने एक रिएक्शन दे दिया, लेकिन वो एक कश्मीरी पंडित भी थे या कश्मीरी हिंदू भी थे। अब ये जो हत्या के दो आयाम इसलिए थे कि जो वो टीम सारी थी जिन्होंने उस वक्त प्रोसिक्यूट किया मकबूल भट्ट को मकबूल भट्ट के केस के बारे में, उसमें मुसलमान भी थे और उनमें से स्पेसिफिकली इनको चूज करके बाकी सब लोगों के प्रति उनने कोई रिएक्शन नहीं की, तो एक बिल्कुल क्लियर एक सिचुएशन सामने आती थी कि नीलकंठ गंजू को उन्होंने इसलिए भी मारा क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थे, इसलिए भी मारा क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ जजमेंट दे दी थी। दोनों आयाम इसलिए जरूरी है कि जब आप सिर्फ ये कि भाई उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी थी या उनको जजमेंट दे दी थी, तो एक स्टेट के खिलाफ या स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के खिलाफ एक कार्रवाई मान सकते हैं एक अलगाववादी गुट की तरफ से, लेकिन इसमें एक प्रमुखता से जो बात उभर के आती थी कि नीलकंठ गंजू को इसलिए भी मारा कि वो कश्मीरी हिंदू थे, तभी ये जातीय नरसंहार या हिंदू नरसंहार की एक घटना थी। अब क्या इस दृष्टिकोण को, क्या इस बात को ध्यान में रखे उन्होंने किया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए सरकार ने जो इसको किया है। लेकिन एक बात है, अगर सरकार ने निर्णय किया है इसमें बहुत से विभिन्न आयाम अगर उनके सामने आएंगे, मेरा पूरा यकीन है कि एक साइड ये भी आएगा कि भाई इस हत्या का एक सबसे बड़ा प्रमुख जो विषय है वो इसका जिनोसाइडल किलिंग होना है, और अगर ये बिल्कुल तय होता है कि एक जिनोसाइडल किलिंग थी तब सरकार क्या करेगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, ये हमारे सामने देखने वाली बात है। जी ये बताइए कि ये काम जो आज किया जा रहा है इसको दो जो मेन रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के वो किस तरह के, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पक्ष है जिसका कहना है कि अब क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए ये किया जा रहा है, नहीं तो जो 9.25 साल सरकार ने गवाए हैं वो नष्ट नहीं किए जाने चाहिए थे, तुरंत ये काम किया जाता। दूसरा जो एक रिएक्शन आ रहा है वो ये है कि इससे जो
मोदी जी की सरकार है वो कश्मीरी हिंदुओं के लिए जेन्युइनली काम करना चाहती है, और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये संदेश जा रहा है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी केसे री इन्वेस्टिगेट के इन केसेस पे आज तक किसी को भी सजा नहीं हुई तो उनको दंडित किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी थी। तो ये दो जो बातें आ रही हैं, पहली ये कि आपने 9 वर्ष वेस्ट कर दिए और अब दिखावे के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन में किया जा रहा है। जी हम जो आपने दूसरी बात कही पहले उसका हम थोड़ा बहुत संज्ञान ले लें। ये मान लिया जाए कि भाई भारत सरकार ने बड़े प्यार से या बड़े डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट को ये उन्होंने एक सिग्नल दे दी, भाई देखिए आपने अभी तक जो पोजीशन ले ली वो पोजीशन ये है कि आप कहते हैं कि चूंकि ये 1990 में हत्याएं हुई हैं, बहुत समय हो गया है, इसलिए अब इसकी कोई नई इंक्वायरी नहीं हो सकती, आपकी इसके साथ हम सहमत नहीं हैं। इसमें दोनों बातें हैं कि जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तब भारत सरकार ने अपनी पोजीशन क्यों नहीं ले ली सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो हाल ही में कश्मीर में, क्योंकि भाजपा के रूल के दौरान 2 रिलीजियस क्लींजिंग साइकिल्स कश्मीर में कंप्लीट हुए। पहला तो जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और उन दिनों स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थी, वहां पे जो हमला हुआ जो शुरुआत तो उसकी इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई श्रीनगर में, और उसके साथ ही जो वहां पे बचे कुछ हिंदू पे है, कम से कम हिंदू एम्प्लॉयज पे हमले की प्रक्रिया, तो उस समय जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज का हमला हुआ उस वक्त भी पूर्ण रूप से लगभग सब वहां पे रह रहे हिंदू निकल के आए थे। मैं भाजपा के टाइम की बात कह रहा हूँ, ये जो ये इस पीरियड में पीडीपी भाजपा की हुकूमत उस वक्त थी और बाद में भाजपा की हुकूमत, मतलब जब स्टेट था और जब यूनियन टेरिटरी, दूसरा यूनियन टेरिटरी जब ये बन गया उस वक्त भी ये घटना घटी, वहां पर भी फ्लैग टू किलिंग्स हो गई और उनको वहां से निकलना पड़ा। जो ये सिलेक्टिव किलिंग दूसरी बार हुई उस वक्त लगभग 29 के करीब हत्याएं सिलेक्टिवली हुई, और हर हत्या के हिंदुओं की हुई और जो वहां पे हिंदू रह रहे थे वो उनके लगभग सब वर्गों पे आघात हुआ, छोटे छोटे थे, मान लीजिए कश्मीरी स्पीकिंग, नॉन कश्मीरी स्पीकिंग, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट हिंदू, नॉन शेड्यूल कास्ट हिंदू, या जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे थे जो बाहर निकले नहीं और जो यहाँ से वापस नौकरी करने के लिए गए थे, तो ऐसे सारे जो ग्रुप थे कश्मीरी हिंदुओं के उनकी हत्याएं किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति की हुई। तो उसके बाद वो यहाँ पे आए, लगभग 1 साल उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया कि हमको रिलोकेट कीजिए, तो भारत सरकार ने उनको मतलब ये थ्रेट करके कि भाई आपकी जो रोजी रोटी है वो बंद कर देंगे, आपकी तनख्वाहें बंद करके उनको वापस भेज दिया। तो जो ये 29 हत्याएं हुई इसके बारे में सरकार ने क्यों नहीं, इनका स्वरूप तो बिल्कुल सामने था, क्योंकि हर एक हत्या के बाद जिन लोगों ने यह हत्या की उसका उन्होंने उद्घोषणा भी की वो हत्याएं क्यों की, उस वक्त इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया और एकदम से इस सारी बात की सीरियसनेस को लेके उन्होंने एक्टिविटी की है। ये वो सुप्रीम कोर्ट को ये 29 हत्याएं लेके जा सकते थे, ये हो गई हम, या कम से कम अपने स्तर पे ये कहते कि भाई एक जिनोसाइडल किलिंग हो गई है, जिनोसाइडल एक प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने इसका संज्ञान दिया, कोर्ट किस तरह से इंटरवीन करता वो बाद में। तो जो आपने दूसरी बात की उस बात के साथ अभी मुझे सहमति नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो सकता है सरकार को किसी स्तर पे किसी लेवल पे ये बात, लेकिन अनुभव के आधार पे और जैसे उन्होंने बिहेव किया अभी तक भारत सरकार की जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर में, मैं खासतौर से कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, वो डिनाइल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी है, और यह हमको बहुत से तथ्यों के आधार पर इसको और भी कहा जा सकता है। अब रही बात पहली बात, अभी तक इस सरकार ने खासतौर से यूनियन टेरिटरी सरकार ने कुछ एरियाज में जो बड़े क्रिटिकल एरियाज थे और पुरानी गवर्नमेंट्स अवॉइड करती थी एक्शन उस एरिया में, उसमें कई बार उन्होंने दिखाया कि वो कदम लेने की इच्छा उनकी है, वो आगे जाने का प्रयत्न मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो एक हाफ स्टेप लेके फिर वापस वो आ गए। जैसे एनक्रोचमेंट्स को लेके सरकार ने कोई स्टेप ले लिया और फिर एकदम से उसको रोक,
पॉलिटिकल जो पार्टीज के प्रमुख नेता हैं जिन्होंने कब्जा किया था और कंटिन्यूअसली पहले से ही यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को प्लंडर करके लगभग अपने कब्जे में लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक मंशा दिखाई पब्लिकली, कुछ स्टेप लिए और फिर वापस आए। तो ये बात बार बार झलकती है कि वो कुछ ऐसे एरियाज में जाना चाहती हैं जो पहले जो सरकारें नहीं जाती हैं, लेकिन बाद में किसी कारणवश उस बात को रोक देती है। तो उसमें से ये झलकता है कि ये बात है कि कॉस्मेटिक स्टेप लेके उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस को यूटिलाइज करके या उसके पॉलिटिकल इंपोर्ट को यूटिलाइज करने के लिए ऐसे कदम लिए जाते हैं। इसके बारे में भी ये बात कही जा सकती है, इसके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि भाई अगर इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने शुरुआत की है, अगर शुरुआत की है पहले ही फिर जिनोसाइड को मान ले भाई, हम सरकार समझते हैं कि जिनोसाइड हो गया है और अब इस सारी प्रक्रिया के लिए हम कदम उठा रहे हैं, वो बात रीजन की। इसलिए जो दूसरा पहलू है और जो पैटर्न बहुत राष्ट्रीय स्तर पर भी झलकता है कि ऐसे विषय जो हिंदुओं के विषय हैं, क्रिटिकल विषय हैं, उस दिशा में कभी कभी सरकार ने कदम उठाने की मंशा दिखाई है और बाद में अपने आप को रोक दिया है। तो वहां पे पॉलिटिकल जॉब कहेंगे डायमेंशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात वो जरूर सामने आती है। तो दोनों पहलुओं पे मेरा ये विश्लेषण है कि भाई इस दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। अगर दूसरी बात है कि नहीं इन्होंने मैसेज दे दी है तो तब इनको इनका जो रास्ता है सरकार का वो सरकार का रास्ता होना चाहिए, उनको मानना चाहिए, औपचारिक स्तर पे भाजपा सरकार को मानना चाहिए कि वहां पे एक नरसंहार की प्रक्रिया चली है और हमको नरसंहार की प्रक्रिया के लिए अब हम अपने आप को एक्टिवेट करके हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। जी तो अभी जो रिएक्शन आया है जस्टिस गंजू के परिवार से, क्योंकि जब ये केस की बात उन तक पहुंची तो उनका कहना है कि इट इज टू लिटल टू लेट, वो कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है, इतने साल पुराना केस आप खोल रहे हो तो क्या जस्टिस दोगे उन्हें। तो क्या आपको ये ठीक लगती है उनकी जो रिएक्शन है? देखिए टू लिटल उन्होंने सही बात कही है, लेकिन जहां पे एक नरसंहार की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूस है, ये जिनोसाइड इन कॉन्टिन्यूटी है और इस जिनोसाइड का स्पिलओवर लगभग पूरे इंडिया में हुआ है, क्योंकि इस जिनोसाइड के पीछे जो शक्तियां हैं जिसको जहादी शक्तियां कहें, उस जहाद का स्पिलओवर पूरे इंडिया में हो गया और हमारे सामने मल्टीपल घटनाएं घट रही जिनको आप अगर थोड़ा बहुत क्लियरली होंगे फोरसाइट, जिनको आप जिनोसाइडल एट्रिशन भी कहेंगे, जिनोसाइडल आतंक, नरसंहार का आतंक आप देखेंगे बहुत जगह से। वेस्ट बंगाल में मुझे कोई दो राय नहीं है कहने की वहां पे कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, वहां पे जिनोसाइडल वायलेंस है। जो अभी आपने ये हमला देखा नूह में, अगर इसके आयाम इसके डायमेंशन को देखे आपको लगेगा कि जिन लोगों ने किया उनके बिल्कुल जिनोसाइडल इंटेंशन, क्योंकि इसका हुआ है तो ये एक कॉन्टिन्यूटी में एक आवाज थोड़ी कट रही है आवाज आपकी। अब ठीक है? अब ठीक आ रही है? हाँ अब बेटर है जी। अच्छा तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ये बात है ना कि भाई जिनोसाइड एक कॉन्टिन्यूटी में है, जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ इसके हिसाब से कोई भी टाइम लेट नहीं होता, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी लेवल पे अभी कोई ऐसा संकेत है कि ये इस जिनोसाइड को पे नए सिरे से देखना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है। अभी हमको उस निष्कर्ष पे जाना चाहिए, ये टू लिटल तो ये है ही, लेट के बारे में इसकी इम्प्लीकेशन पूरी मानवता के लिए है। इसलिए मान लीजिए कल को सरकार ये तय कर ले कि हमको जिनोसाइड इस किलिंग्स को प्रोब करना है, तो वो समय अगर वो करती है तो वो स्वागत योग्य होगा। अच्छा अब रही फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीरी हिंदू, जो डिस्ट्रक्शन होना था वो हो गया,
उस दृष्टिकोण से जो इन्होंने बात कही है, तो जो हमको भुगतना था वो भुगत भी चुके, जिस तरह से अपनी नई लाइफ को हमको रिकास्ट करना था हमने रिकास्ट किया, जो हम अपेक्षा करते थे वो हमारे साथ हुआ नहीं, जिस तरह से गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना था वो कर रहे हैं, हमारे नाम से जो कुछ भी बोलना है वो ऑलरेडी वो चल रहा है। तो टू लेट टू लिटल, जब हम परिवार को देखेंगे तो उसमें कोई, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक प्रॉपर रिएक्शन, लेकिन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, मैंने आपके यहाँ कार्यक्रम में बहुत कहा है कि हिंदुओं के लिए एक प्रॉब्लम है, 1000 साल का एक जीनोसाइडल युद्ध उनके खिलाफ चल रहा है और हमने इसका संज्ञान नहीं लिया, हमने, हम हिंदुओं ने संज्ञान, हमने ये समझा कि ये खत्म हो गया, जब जब भी ये घटा हमने समझा ये खत्म, अब आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चलता रहा। इसे सबसे क्रिटिकल है हिंदुओं के लिए आगे आने वाले समय जो ये जिनोसाइडल जाति समार का युद्ध उनके खिलाफ है, इसको वो रोके, और उसके लिए अगर भारत के राज्य को वो बात करे उससे बड़ी बात करे। अच्छा, एक पिछली बार जब हम बात नहीं कर पाए, आप जुड़ नहीं पाए थे, तो उस समय मैंने बात की थी कि जो राम माधव है जो जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत खुल के बात करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, अब उनके उनके दो अलग अलग चीजें देखने को आ रही है। पहले मैं पिछली वाली से शुरू करता हूँ, उनका लेख आया कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है, और नॉर्मल की उन्होंने जो डेफिनेशन उसमें दी अपने लेख में वो थी कि अब लोग रात को 12 बजे चाहे तो जाके आइसक्रीम खा सकते हैं, वहां पर इनॉक्स मल्टीप्लेक्स चलता है, लोग फिल्में देख पाते हैं, और अभी कुछ ही दिनों पहले जो शिया मुसलमान थे उन्होंने मुहर्रम का जुलूस वहां पे बिना किसी विघ्न बाधा के निकाला। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज कश्मीर एक पूरी तरह से नॉर्मल स्टेट बन गई है। तो अब जो मेरा इसमें इम्प्रेशन बनता है वो क्या है कि किसी ने एक घर पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और बहुत बड़ा घर था उस पे कब्जा कर लिया। अब जिन्हें डिस्प्लेस किया जाता है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं कि हमारी कंप्लेंट लिखी है कि हमें डिस्प्लेस किया गया है, और जो जिन गुंडों ने कब्जा किया था वो भी आते हैं, तो क्योंकि ज्यादा धनी है ज्यादा संपन्न है तो पुलिस वाले जैसा काम करते हैं, दोनों को भगा देते हैं, चलो चलो हम बाद में देखेंगे, और बाद में कहते हैं कि देखो जी उस घर में तो जो त्योहार है वो मनाए जा रहे हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो मैनिफेस्टेशंस के आउटर सिम्टम्स है कि लोग सॉफ्टी खा रहे होंगे वहां पर लाल चौक पे खड़े होके या फिल्में देख रहे होंगे, लेकिन जब तक कश्मीरी हिंदू जो इतना बड़ा एक एलिमेंट है वहां के, वो वहां पर वापस नहीं जाता, तब तक क्या हम कश्मीर को नॉर्मल मान सकते हैं? देखिए इसमें भी ये क्योंकि फ्रेमवर्क की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर में घटा पिछले इतने साल, जिसका एक बहुत बड़ा पहलू है वहां पे रह रहे अल्पसंख्यक समाज जो कश्मीरी हिंदू ही था, उनको पूर्ण रूप से वहां से उखाड़ना, और उनके वो जो वहां पे रह रहे हैं उनकी सभ्यता को और उनके निवास स्थान को, हर एक चीज को, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया। जब ये बात चली और विस्थापन को लेके लोग बाहर आ गए और फिर एक सर्वाइवल बैटल हुआ, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चली, एक साइड से राज्य खड़ा हो, स्टेट खड़ा हो और वो जो वहां पे चल रहा है उसके उसका एक प्रतिकार करें, और दूसरे साइड से हमको डे टू डे लेवल पे बचना है, इस प्रक्रिया को किसी तरीके से हम क्रियान्वित करें, जिसके कारण रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बहुत से ये चक्कर चला। तो एक पीरियड था जिस पीरियड में फिर भी कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात की जा रही थी कि कश्मीर घाटी में जो हुआ वो एक जेनोसाइडल के फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। फिर एक स्टेज आया वाजपेयी जी के आने के बाद, जब ये सोच इस सोच को उन्होंने बिल्कुल पनपाया कि भाई जिनोसाइड कहने से कश्मीर का मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए इस बात को आहिस्ता आहिस्ता से आप बंद करो, और ये प्रक्रिया चली। इसलिए
इसको हमने बहुत बार कहा है कि डिनाइल ऑफ जेनोसाइड की प्रक्रिया। भारत सरकार ने कश्मीर में जो घटा है उसको एक मेयर डे टू डे टेररिज्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, एक बात। दूसरी बात, भारत सरकार ने यह कहा है कि जो वहां पे घटा है वो पाकिस्तान ने किया है, वो पाकिस्तान ने किया है, इसको पाकिस्तान करवा रहा है। अच्छा, ये दोनों बातें ब्रॉडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क को दर्शाती रही, कॉन्टिन्यूटी में। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने ही किया, उससे पहले उनकी सोच। ये पॉलिसी भारत सरकार के स्ट्रेटेजिक आउटलुक का एक एक्सप्रेशन है अभी तक। तो इन्होंने वहां की नॉर्मलिटी को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ, यही बात, कितने टूरिस्ट इस साल गए, कितने टूरिस्ट पिछले साल गए, कितनी हत्याएं इस महीने हुई, कितनी हत्याएं पिछले महीने, इस तरीके से सिलसिला। और कितने एज पर पुलिस या एज पर आर्मी स्टैटिस्टिक्स कितने टेररिस्ट पहले थे एक्टिव और कितने टेररिस्ट अब एक्टिव, कितने एनकाउंटर्स और कितनी इन्फिल्ट्रेशन बिट्स पहले हो रही थी और कितनी एनकाउंटर्स और इन्फिल्ट्रेशन बिट्स अब हो रही, इसके आधार पे उन्होंने तय किया। और इसी स्टैटिस्टिकल अप्रोच का एक मापदंड ये भी है जो आपने कहा कि भाई अब मुहर्रम का प्रदर्शन हो रहा है और अब रात को लोग ये खाने की लोग को देर तक बाहर रहते हैं और वो आइसक्रीम भी खाते हैं। ये जो ये तरीका है कि कश्मीर में तो चल रहा है, उसकी विषमता को और उसके डेप्थ को नकारने वाली बात। एक घटना घटी कश्मीर में, अगर हम जरा पीछे नहीं जाए, जो बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी, आर्टिकल 370 का हटना और जम्मू कश्मीर का के स्टेट का रिऑर्गेनाइज होना, लद्दाख का अलग होना और जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में। अब ये जो ये घटना है अपने आप में अभूतपूर्व थी, और टोटैलिटी में पाकिस्तान से लेके यहाँ पे जो भी इस्लामी अलगाववादी तंत्र था उसके लिए ये एक बहुत सरप्राइजिंग डेवलप, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उसके आधार पर वो समझते ही थे कि ऐसा विकल्प भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार ने उस विकल्प को ले लिया, उसके बाद पूरी स्ट्रेटजीज रिकास्ट हो गई और उस सारी स्ट्रेटजीज का आयाम हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे। उसका पहला आयाम है कि भाई वायलेंस को कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में कैलिब्रेट करो, इसको थोड़ा कम करो, ताकि स्टेट के जो ऑपरेशंस होंगे उनका औचित्य थोड़ा बहुत कम हो जाए। पुराना जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रिकास्ट करो, और जो ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर पहले मदद कर रहा था उसको आगे आने वाले समय में मदद करने की एक स्पेस क्रिएट करो। जैसे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, रीजनल पोलिटिकल पार्टी, पीडीपी और बीजेपी, नहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कुछ तत्व आप मान लीजिए कांग्रेस के भी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं क्या कर सकता हूँ अब, अगर वो ईयरफोन है तो बोलिए। कैन यू गिव मी जस्ट अ मिनट फॉर दैट। हाँ जी ओके मैं एक सेकंड में जी जी। तो इतनी देर हम आपस में बात करते हैं जब तक डॉक्टर साहब जुड़ते हैं अपना ईयरफोन लगा के। अब यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि राम माधव जी का आर्टिकल आता है और उसमें वो नॉर्मैलिसी को डिफाइन करते हैं कि वहां पर आइसक्रीम खा सकते हैं लोग रात को या फिल्में देख सकते हैं, क्या ये नॉर्मैलिसी का पैरामीटर हो सकता है? तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत किया जा रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट जो अभी जो डॉक्टर अजय चुरमू जिसकी बात कर रहे थे कि सरकार एक स्टेप आगे लेती है, जैसे 370 को जब एब्रोगेट किया तो एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन था जिसे पहले तो लगता था कोई कर ही नहीं सकता और वो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया और उसे एक आशा जगती थी कि ये सरकार आई है विच मींस बिजनेस, कि ये सारा कुछ जो
इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहाद का वहां पे सेटअप हो चुका है, उसको डिमोलिश करेगी। लेकिन फिर हम देखते क्या है कि एकदम से वो डोमिसाइल वाला सिस्टम बनाकर सारे का सारा यथास्थिति वापस बन जाती है। कहने को 370 हट गया, लेकिन अभी भी जो बाहर से कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता, और कोई साहस करके आ भी जाएगा तो उसे गोली मार दी जाती है, जो हम देख चुके हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर लेते हैं, बहुत से लोग ये बोल भी सकते हैं कि आप समझते नहीं हो कि ग्रुप ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, कि अगर हम खुल के बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे या इस्लामिक नेशंस नाराज हो जाते हैं, तो इस सब का सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बाद की बात है, लेकिन जब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं सत्ता की ओर से वो कैसी हैं, जरा हम उन पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनका कहना है कि टेररिज्म को किसी भी रिलीजन से लिंक नहीं करना चाहिए, ठीक। फिर जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो कश्मीर में किलिंग्स हुई हैं, और ये विशेष रूप से जब वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद है, उनका कहना है कि उनको रिलीजन के लेंस के थ्रू नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जब आ रही हैं तो क्या ये ठीक है? ये रियल पॉलिटिक को डिनोट करती हैं? ये हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? हाँ अब ठीक आ रही है जी। अच्छा, तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि जब भारत सरकार ने कश्मीर में एक्शन की, इतना ही नहीं हुआ कि भारत साहब सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी को शेप किया, द सेपरेटिस्ट एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी स्ट्रेटजी को शेप किया। और मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि जो ही आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके बाद स्टेट का पुनर्गठन किया, उसके बाद तीन स्ट्रेटजीज वहाँ पे सेपरेटिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ने की, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका ओवरग्राउंड, और मैं कहता हूँ ओवरग्राउंड जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुखता से था, और कांग्रेस के बहुत से सेगमेंट्स थे, वो सारा अरेस्टेड था, वो सारा अरेस्ट हो गया था। तो उसके बाद उनको जो जिस कारण से वहां पे वो ओवरग्राउंड एक्टिविटी भी कर रहे थे और अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी करते, उसका एक तंत्र, उसमें एक चेंज आ गई, उसकी स्ट्रेटजीज में चेंज आई। तो तीन बातें उन्होंने की। एक, उन्होंने वायलेंस को कैलिब्रेट किया कि जो वायलेंस की इंटेंसिटी थी उसको किसी हद तक कम कर दिया। दूसरी बात उन्होंने की कि उनका थ्रस्ट शिफ्ट हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया और ओवर ग्लोबल डायमेंशन के ऊपर। रेस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने प्राइम उनकी स्ट्रेटजी रही है डिस्टेबलाइजेशन ऑफ होल ऑफ इंडिया। कश्मीर में वायलेंस को एक विजिबल रेंज में रखो, एट्रिशन को, जिनोसाइडल हिंदू, एंटी हिंदू जिनोसाइडल एट्रिशन को जिंदा रखो, लेकिन वायलेंस को इस हद तक नहीं ले जाओ कि जहां पे एक ओवरऑल कंफ्रंटेशन आ जाए, क्योंकि ओवरग्राउंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के खत्म होने के कारण या बंद होने के कारण जो उस वक्त हुआ उसके कारण वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाना चाहते थे। तो थ्रस्ट शिफ्ट हो गया कि भाई रेस्ट ऑफ इंडिया में मुस्लिम मोबिलाइजेशन या एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करके एक डिस्टेबलाइजेशन का माहौल बिल्ड करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोजेक्ट करके कि इंडिया में एक प्रो हिंदू फैसिस्ट गवर्नमेंट आई है और यहाँ पे डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को खत्म किया जाता है जा रहा है। ये तीन स्ट्रेटजीज उनकी रही। अगर आप देखेंगे तीनों स्ट्रेटजीज में अभी तक उनकी सफलता रही है। उन्होंने वायलेंस को कैलिब्रेट भी किया, विजिबल रेंज में भी रखा फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए मैंने तभी आपके सामने एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रखी। वो बात है कि दो बार रिलीजियस क्लींजिंग साइकल्स बीजेपी के टाइम पे कंप्लीट हुए। अच्छा, अब अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो भारत सरकार एकदम से जो ये वायलेंस हुई इसके सही स्वरूप की को रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया को शुरू करती। भारत सरकार ये नहीं कहती कि भाई अब वहां पे लोग आइसक्रीम शाम को खाते हैं इसके कारण नॉर्मेलिटी है। ये एक छलावा है, और जो कश्मीर में अलगाववाद है, इस्लामिक अलगाववाद है, ये इसका एक ओवरग्राउंड डायमेंशन भी है, इसका एक अंडरग्राउंड डायमेंशन भी है। इसको ट्रिविलाइज करके प्रेजेंटली वो एक कैलिब्रेटेड थ्रस्ट के साथ चल रहे हैं और कॉन्स्टेंटली मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास अभी राजौरी का हत्याकांड हुआ, जो 6 लोग डांगरी में मारे गए,
वो वायलेंस कश्मीर से शुरू की हिंदुओं को वहां पे वहां से फिर से निकालने के, साथ में एकदम दम से एक दूसरे छोर पे पाकिस्तान के बॉर्डर जो राजौरी पूंछ में वहां पे हिंदुओं का मैसेकर किया गया, और बाद में एक ऐसी परिस्थिति राजौरी पूंछ में दो साल से है वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है और सरकार ये नहीं कह पा रही है कि ये कौन कर रहा है। सरकार के पास ये दिखाने के लिए भी तथ्य नहीं है कि भाई आखिरकार दो साल से बहुत बार बार वहां पे आर्मी के लोगों की कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो वहां पे वो कौन कर रहा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है कि हमने एक दीपू को बिल्कुल एक हॉकर को छोटे गरीब व्यक्ति हिंदू को कश्मीर में मारा, और उसके साथ उससे पहले हमने राजौरी पूंछ में हत्या की 7 लोगों की, जहां पे लोगों के आधार कार्ड देके ये किया गया। तो एक उनकी तरफ से अपनी एक मैसेजिंग है, भारत सरकार की तरफ से जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग है कि हमने ओवरनाइट ठीक कर दिया सब कुछ। ये सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इस वक्त वहां का राजनीतिक तंत्र उसी परिस्थिति में जैसे पहले था, लेकिन इस जहादी लड़ाई के बृहद स्वरूप को अगर आप सिर्फ इस बात से काउंटर करेंगे कि आप तो यार अब नॉर्मल एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो आप तो खत्म हो गए, इससे बड़ा कोई अपने आप को भ्रम देने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का जहाद है ये एक सबवर्सिव वार है, ये एक विघटनकारी तंत्र के माध्यम से चलता है, और विघटनकारी तंत्र उसकी कैपेबिलिटी है वो कैलिब्रेट भी कर रही है अपने आप को। मैं नहीं समझता हूं कि डिसाइसिव, या मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जहाद खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के जहाद ने एक दूसरा स्वरूप ले लिया, और जो मिलिट्री भी मानती है वो कहती है कि पिछले 5-6 साल से एक हाइब्रिड टेररिज्म आ गया। हाइब्रिड टेररिज्म आना, इसका मतलब क्या हुआ? वो किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लश्कर तोयबा अब अपने नाम से एक्टिविटी नहीं करती है, कुछ नए नाम खड़े कर दिए हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ये जो ये हाइब्रिड वॉर है वो मल्टीपल लेवल्स पे देख रहे हैं, उनको मालूम है अल्टीमेटली अंतोगत्वा उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, उनको ये भी मालूम है अंतोगत्वा उनकी लड़ाई है कि भाई जम्मू कश्मीर में हिंदू प्रेजेंस को कैसे समूलता से नष्ट किया जाए। इन दोनों चीजों में एक नई परिस्थिति में, और नई परिस्थिति सिर्फ इतनी ही है जम्मू कश्मीर, इस्लाम की ग्लोबल परिस्थिति भी है जहां पे पान इस्लामिक फोर्सेस को विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड भी एक अपनी रेजिस्टेंस आ रही है। पाकिस्तान में अपना एक घटनाक्रम है, पाकिस्तान की अपनी अपना जो अंदर से इंस्टेबिलिटी है वो प्रक्रिया भी है। वो सारी चीजें ध्यान में रख के अगर हम ये कहेंगे कि नॉर्मेलिटी आ गई है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। अगर ये कहें कि भाई एक एक्सप्रेशन सेपरेटिस्ट और इस्लामिक वायलेंस का चेंज हो गया, तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे हमको धोखा नहीं लगेगा। जी, अब ये जो बात आपने कही कि जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया है, जैसे मुझे ध्यान आता है कि एक बड़ी बदनाम पत्रकार है, उसने एक बार कहा था कि हम अपने गोल को नहीं चेंज कर रहे, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहे हैं। तो ये बात जो इस्लामिस्ट हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि कब किस तरह से अपने आप को, अपनी जो टैक्टिक्स हैं उनको चेंज करना है। लेकिन उसकी उनके सामने, उस जो जिहाद चल रहा है उसके सामने जब हम देखते हैं कि सरकार किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या उसकी क्या पोस्चरिंग है, या क्या उसका स्टैंड है। अब जब आप अभी ईयरफोन लेने गए थे तो मैं दर्शकों को वही दिखा रहा था कि अमित शाह जी बोलते हैं कि टेरर को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, मनोज सिन्हा जी बोलते हैं कि इसको जो किलिंग्स हुई है अभी मनोज सिन्हा के आने के बाद जो किलिंग्स हुई है उनको रिलीजन के प्रिज्म में से नहीं देखना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है अपने आप को बचने की कि हम जिहाद का नाम नहीं लेंगे, हम किसी रिलीजन का नाम नहीं लेंगे, तो ये तो पहले स्टेप पे ही अपने आप को डिफीट करने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है? क्यों, कई लोग सोच सकते हैं कि भाई ये तो बड़ी बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि आप बिना नाम लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डिफीटिस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है? पहले जहां पे भी वायलेंस दुनिया में हो, जहां पे जिनोसाइडल वायलेंस हो, जहां पे भी जिनोसाइडल वायलेंस का एक स्वरूप हो, वहां पे एक्सपर्ट्स का एक कहना है कि भाई इस जिनोसाइड को मानना है पहले, और दूसरी बात फिर जिनोसाइड का निराकरण करने के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण करना, ये ग्लोबल कंसेंसस है। और उनकी तरफ से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई अगर आपने जिनोसाइड को नहीं माना तो ये बढ़ता है,
ये बचा कशी करता है, ये रेप्लिकेट होता है, ये डुप्लीकेट होता है। भारत के राज्य की सबसे बड़ी जो डिफीट का जो जिसको एक एक्सप्रेशन है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में जो वायलेंस हुई है, इसको जिनोसाइड कभी नहीं माना। इसका मतलब है कि वो इसके सही स्वरूप को नकार रहे थे, और चूंकि वो सही स्वरूप को नकार रहे थे, इसलिए वो कोई भी पॉलिसी प्रोसेस इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे जिससे ये जो ये जिनोसाइडल प्रोसेस ये बंद हो जाए या इसको इसका निराकरण हो जाए या इसका प्रतिकार डिसाइसिवली कर सकते। ये बेसिकली नहीं मानना, ये एक स्पेस छोड़ना जिनोसाइडल फोर्सेस के लिए था कि भाई आप भी रहो हम भी रहें, ये प्रक्रिया। तो पहला, जिनोसाइड को न मानना, ये भारत राज्य की एक स्ट्रेटजी। दूसरा, जिहाद को न मानना। जो ये जिनोसाइड हो रहा है इसके पीछे जो शक्ति है, जो ये जो मल्टीपल लेवल्स पे वो एक युद्ध कर रही है, उस युद्ध के स्वरूप को न मानना, ये दूसरी एक पॉलिसी रही है भारत सरकार की। मैं सिर्फ बीजेपी को इसमें मैं नहीं मानता हूं, मैं समझता हूं टोटैलिटी में ये स्टेट की एक पॉलिसी है, ये दूसरी पॉलिसी है। तीसरा, जो इसमें इसी का इन्हीं पॉलिसीज का जो कोरलरी है कि आप ये कहो कि वायलेंस सिर्फ टेररिज्म है, क्योंकि उसके माध्यम से आप ये बता पाओ कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, समाज इसके साथ नहीं है। तो ये कह के आप जो सोसाइटी के बीच में या सोसाइटी के गर्भ के बीच में जो वायलेंस चल रही है उसके प्रति अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि उससे आप एक स्पेस छोड़ते हो पॉलिटिकल एंगेजमेंट का। क्योंकि अगर आपने ये कहा कि समाज के बीच में से हो रहा है फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं होगी, तो इससे बड़ी जो डिफीट का एक्सप्रेशन और क्या हो सकता है। तीसरी बात, आप जिहाद के इंडोक्ट्रिनेशन या टेररिज्म के इंडोक्ट्रिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, या जिसको आप कहेंगे जिहाद की जो जमीन है जहां से टेररिज्म की फसल उगती है, उस जमीन को छोड़ दो, उसके साथ कुछ नहीं करो। जो लोग इस फसल को बोते हैं उनके साथ कुछ नहीं करो, जो इसको सींचते हैं उनके साथ कुछ नहीं करो, जो इसको फर्टिलाइजर देते हैं उसके साथ कुछ नहीं दे। आप जब इस टेररिज्म का विष भी जब वृक्ष बनता है उसके पत्ते काटो, और ये कहो आप जिहाद को या आप इस टेररिज्म को खत्म कर रहे हो। ये जो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज बेसिकली एक्सप्रेशन है कि हम जिहाद के लिए स्पेस छोड़ रहे हैं। भारत सरकार ये कहती है भाई ये कहने से हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट का स्पेस खत्म होता है। अगर हम ये कहेंगे कि भाई कश्मीरी हिंदू को कश्मीरी मुसलमान ने मारा, तो फिर हमारा मुसलमान के साथ एंगेजमेंट करने का रास्ता खत्म। ये भाजपा सरकार की ये इस इनके टाइम पे सबसे ज्यादा ये इंटेंसिफाई ये अप्रोच हो गया, और जिसको लीड किया, जिस एक्सप्रेशन को इंद्रेश कुमार जैसे लोगों ने, संघ के जो इनके एडवाइजर्स हैं या अरुण कुमार जैसे लोगों ने। अब दुनिया में आप कोई भी पुस्तक उठाइए टेररिज्म को लेके, ये टेररिज्म को, इस्लामिक टेररिज्म को लेके, पान इस्लामिज्म को लेके ये अप्रोच कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में है। अच्छा, अब देख लीजिए बात ये है कि जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर एक लैंडलॉक स्टेट है, और उनको जब वॉर वेज करना है अगेंस्ट द स्टेट, उनको ये एंश्योर करना है कि उनका लैंड लॉक्ड होना उनके सर्वाइवल को कहीं पे जियोपर्डाइज नहीं करे। तो उनके लिए अनिवार्यता है कि वो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी रखें और एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए स्पेस रखें, और वो इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो होगी उसके माध्यम से अपने आप को जीवित भी रखें, अगर पाकिस्तान से आने वाला जो सपोर्ट है वो कम भी होगा। तो इंटेग्रल सेपरेटिस्ट वॉर में है कि वो अलाउ करें इन बिटवीन नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब ये जो ये रिलेशनशिप है कि भारत सरकार इसको कैसे देखती है, वो देखती है कि मान लीजिए वो देखती है कि हम टूरिज्म करते हैं और टूरिज्म से लोकल लोगों को फायदा आता है, इकोनॉमिक फायदा आता है, और वो लोग फिर टेररिस्ट को बोलेंगे कि आप टेररिज्म नहीं करो। और अगर
सिविलियंस की हत्या होती है तो हम इंटरनेशनली कह सकते हैं, देखो जी हमने डेमोक्रेटिक सेटअप भी रखा, हमने वहां पे जो डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंटल इनपुट्स का जो एक सिलसिला है उसको पहले से बढ़ाया है, लेकिन फिर भी ग्राउंड से टेररिज्म आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जब सिविलियंस प्राइमरली हिंदू सिविलियंस को मारा जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं देखो जी हमारे साथ क्या होता है। और अगर जो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है उन्होंने कुछ देर तक वायलेंस को कम किया क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाना है, तो आप ये कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। दोनों साइड से ये बात हो रही है कि आपने बोला कश्मीरी हिंदू को तुम्हारी तनख्वाह बंद करेंगे तुम जाओ, जो ही आपने कश्मीरी हिंदू को वहां पे निकाला ले लिया, आपने रिटर्न ऑर्डर बहुत से ऐसे ग्रुप्स के निकाले कि अभी आप अपने कमरे तक ही रहो, अभी आप अपनी वर्क प्लेस पे भी नहीं जाओ, यहाँ पे खतरा है। पब्लिकली आपने पोस्टर दिया, हालांकि ठीक है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहां पे आपने उनको बोला कि आप अपने कमरों तक रहो, आप बाहर नहीं घूमो, आप नॉर्मल मार्केट में नहीं जाओ, बार बार उनको आपने ये बात कही। तो आपने एक साइड से हिंदुस्तान के समाज को, भारत के समाज को कहा देखो जी कश्मीरी हिंदू तो वापस गया, हालात तो नॉर्मल है, और दूसरे साइड से आपने मुसलमान को वहां के जो अलगाववादी मुसलमान है उनको आपने बोला कि हम आपको एक स्पेस दे रहे हैं, कश्मीरी हिंदू के आने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको रहने दो। तो ये एक सिचुएशन जहां पे आप अपने सिविलियंस को शील्ड बनाते हैं और आपको लगता है कि अगर सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं ये एक अफोर्डेबल प्राइस है, कभी आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली डिविडेंड देने वाला एक प्राइस है। आप दुनिया के सामने ये बताते हैं देखिए जी हम एक मुस्लिम टेरिटरी जहां से जहाज चल रहा है वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप को चला रहे हैं, वहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को चला रहे हैं, फिर आप उनको ये भी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो हमारे लोगों को मारते हैं, हम इसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कितनी मॉडरेट रिजीम है, हम कितना एक, हमारा तो अप्रोच ही डिफरेंट है। वहां पे मुस्लिम सेपरेट उसको बोल रहे हैं कि हम आपके बाकी एक्टिविटी में कोई काम दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, आप हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी होने दो। अच्छा तो इससे क्या होता है कि वो डिसाइड करता है उसको कितना करना है कितना नहीं करना है टेररिस्ट को, वो ये डिसाइड करके बीच बीच में आपको मैसेज देता है, और मैसेज देने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करना बहुत ईजी बात है, और जो उसका जियो पोलिटिकल अप्रोच है कि मुझे कब सामने एक बिगर लेवल पे आना है उसको वो अपने तरीके से डिसाइड करता है, वायलेंस को जिंदा भी रख रहा है, भारत सरकार को बाध्य करता है कि वो अपनी हिंदू पॉपुलेशन को होस्टेज रखे वहां के तंत्र के, और उसको डिक्लेयर करे कि ये होना एक सेक्युलरिज्म की निशानी है। ये एक प्रक्रिया चल रही है, इसमें सबसे बड़ी विषम बात है कि भारत सरकार की स्ट्रेटजी में निहित है एक्सेप्ट करना कि वहां पे वायलेंस होगी, हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस होगी, और इस प्राइस को हमको अफोर्ड करना है, हमको कहीं पे भी इस वायलेंस का स्वरूप है इसको नहीं मानना है, इसके आइडियोलॉजिकल फ्रेम को नहीं मानना है। मतलब ये ऐसी बात है, ये कैसा कॉम्प्रोमाइज में जहां आप कहते हो कि भाई हम बीमारी को नहीं एड्रेस करेंगे, हम सिर्फ जो बीमारी के लक्षण हैं बस उन्हीं की बात करते रहेंगे, जो अंदर डीप रूटेड आइडियोलॉजी है उसकी बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, बेसिकली जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं कि हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे। ये कॉन्सेंसस है भाजपा और कांग्रेस के बीच, कभी कभी आपको लगता होगा यार ये तो बेटर नहीं, ये जो भाजपा और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम इशू पे लड़ाई करते हैं एक शेडो बॉक्सिंग है, जहां पे एक्चुअल एक पोजीशन लेनी है मुस्लिम कम्युनलिज्म को लेके, मुस्लिम सेपरेटिज्म को लेके, वहां पे इनमें जो दौड़ है वो अपीजमेंट की दौड़ है, वो मुस्लिम अलगाववाद की मानसिकता को खत्म करने वाली कोई सोच नहीं है। अब आप जब मैं ये कहता हूं आप कहेंगे या कोई कहेगा भाई आप सिर्फ इसको हिंदू पर्सपेक्टिव से देख, नहीं मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखता हूं, जो मुसलमान भारत के साथ रहना चाहिए, जो मुसलमान कन्विंस हो चुका है कि भाई जिहाद में उसकी बेबुदी नहीं, जो मुसलमान ये समझता है कि उसको जिहादिक मानसिकता से दूर रहना है, जो ये भी समझता है कि भाई अब जो मुस्लिम पॉलिटिक्स में अपने इतिहास बोध को खत्म करके
किसी विदेशी संस्कृति को अपने आप पे लादने वाली बात है या उसके इतिहास को अपना इतिहास मानने वाली बात है, उसके साथ मेरा नहीं है, मैं अपनी कंटिन्यूटी के साथ जुड़ जाऊंगा। ऐसा मुसलमान जो ग्राउंड पे है, चाहे न्यूनतम में भी हो, कम संख्या में भी हो, वो देखता है यार भारत सरकार की इस व्यवस्था में तो जो अलगाववादी इसको चला रहा है, जो ये खेती बाड़ी कर रहा है, वो तो दोनों साइड से ठीक है। पाकिस्तान को भी की भी मदद उसी को मिलती है, हिंदुस्तान की भी वो उसी को मदद मिलती है, वो पीछे जाता है, वो पीछे हटता है, वो सामने नहीं आता है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा बहुत से मुसलमान, तस्लीमा नसरीन मान लीजिए, या आप तारिक फतेह को ले लीजिए, आप देखेंगे ऐसे जो मुस्लिम जो पाकिस्तान के हैं, जो इंडिया के हैं, जो क्लियरली बात करना चाहते हैं, उनको राजनीतिक जो तंत्र है उनको मान्यता नहीं देता, कॉस्मेटिकली उनको यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप अदनान स्वामी को तो सिटीजनशिप मिलेगी, तस्लीमा नसरीन को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप ऑनर तो कर सकते हैं, आप इसको इसको गुलाम नबी आजाद को आप ऑनर करेंगे, मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला को आप पद्म विभूषण दे देंगे, बेग को, लेकिन आप तारिक फतेह को ऑनर नहीं कर सकते। ये जो ये प्रोसेस है, इसकी विषमता ये है कि जो मुसलमान हमारे साथ आत्मसात करना चाहता है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, जो इस जिहादी मानसिकता से अपने आप को दूर करना चाहता है, आप उनके साथ भी कोई जस्टिस नहीं कर पाते। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो ये बात करते हैं, ये खुद उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करते हैं, क्योंकि ये अलगावादी मानसिकता की सेंसिटिविटी के लिए स्पेस छोड़ते हैं या उनके उनका पालन पोषण करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग पे कि वो इनको डिस्टेबलाइज नहीं करें। ये भारत में हो रहा है और बड़ी विषम तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तभी तो अल्ताफ बुखारी जैसा व्यक्ति इनके लिए ब्लू आइड बॉय है, जिन लोगों ने काउंटर इंसर्जेंसी वहां पे की वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको सेकंड फिडल रोल प्ले करना पड़ता है, और ये हर जगह आप देखेंगे। इसलिए ये स्टेट की सोच मुस्लिम क्वेश्चन को लेके जो है, ये बहुत समय से है, इसका निर्माण हुआ है, नेहरू ने निर्माण किया है, और बहुत एरियाज में बड़े विकृत रूप से भाजपा भी उसी सोच को चला रही है। अच्छा, इसमें जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि राम माधव ने जो नॉर्मलसी की बात की, अब पिछले साल यही राम माधव एक आर्टिकल लिखते हैं जो बड़े काम का था। उसमें क्या लिख रहे हैं कि मुस्लिम्स नीड टू गिव अप 3 कॉन्सेप्ट्स, काफिर, उम्मा एंड जिहाद टू किल। तो ये आर्टिकल में इन्होंने थोड़ा सा आर्टिकुलेट करने की कोशिश की कि भैया तुम अगर इस्लाम को मानते हो तो उसके 5 पिलर हैं, वो शहादा, तौहीद वगैरह वगैरह, हज, नमाज और जकात, उनको मानो, कोई कुछ नहीं कहता। पर जब तुम ये कहते हो कि दूसरा काफिर है और हम एक उम्मा है और हमने जिहाद करना है, तो वहां पे समस्या आती है। तो इसने बात पिछले साल तो की थी, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, या वो शायद उतनी क्या बोले उसको, उतना फोर्थराइटली बात नहीं रख पाते। और दूसरे जो मुसलमान है उनको भी पता है, जो जिहादी, उन्हें पता है कि इनको हम थोड़ा सा आंख दिखाएं तो फिर पीछे हो जाते हैं। तो इस साल का आर्टिकल आ जाता है कि कश्मीर नॉर्मल हो गया, तो ये एक कदम आगे एक कदम पीछे। इस तरह से भी मुझे लगता है कि जिहादियों को भी अपीज करने की कोशिश करते हैं, विच इज ऑलवेज अ रॉन्ग पॉलिसी, कि किसी भी बुली को जब आप अपीज करने की कोशिश करते हैं तो आप जीतते नहीं उससे, आप बल्कि उसको और ज्यादा एनर्जी देते हैं। राम माधव के रूप में आपने जिस उदाहरण को कहा, राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऑफिशियल स्पोक्समैन थे, और बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो ऑफिशियल स्पोक्समैन थे राम, तो पूर्णकालिक एक किस्म से प्रचारक थे, ऐसे प्रचारकों में थे जो होटल में रहते थे, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं उनके बारे में। ऐसे व्यक्ति को जब जम्मू कश्मीर का काम वहां पर लाया गया, तो इसका प्राइमरी जो रोल रहा है वो था पीडीपी बीजेपी के अलायंस को बना के इसको काम करने के लिए स्पेस देना, ये रोल इसने प्ले किया। और पीडीपी बीजेपी का जो अलायंस था, उसका जो थ्योरेटिकल जो उसका पेपर था, वो एजेंडा ऑफ अलायंस था। वो एजेंडा ऑफ अलायंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले और बाद में वाजपेयी का, इनका
मुस्लिम इश्यूज के बारे में या मुस्लिम सेपरेटिज्म के बारे में इनका आउटलुक क्या है, तो आपको लगेगा कि ये कांग्रेस से भी विकृत है। ये आपको लगेगा कि अगर कांग्रेस मान लीजिए ऑन ए स्केल ऑफ 10 8 पे है, ये ऑलमोस्ट 9.5 पे है, क्योंकि इनकी सोच है किसी कि हम दिखाएं कि किसी तरीके से हम लोकल मुस्लिम ग्रुप को अपीज करके उनके हवाले अपना सारा मैंडेट, पॉलिटिकल मैंडेट या इलेक्टोरल मैंडेट देके हम भी हुकूमत चला सकते हैं मुसलमान के साथ मिलजुल के। ये एक मानसिकता थी। अब ये जो इन्होंने किया, ये जो हमको ये कहते हैं, अपने स्वयंसेवकों को भी बोलते हैं कि ये टैक्टिकल नेसेसिटी थी, स्ट्रेटजिक नेसेसिटी थी, हमने सरकार में आके हमको इससे समझ में आ गया कि हम आर्टिकल 370 को कैसे हटाएंगे। ये जो ये समझाने की बातें हैं, इन समझाने की बातों के साथ एक और बात है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। एक तो आप एजेंडा ऑफ अलायंस का कंटेंट एनालिसिस कीजिए बिल्कुल डिस्पैशनेटली। इसका आइडियोलॉजिकल इंपोर्ट क्या है? हिंदूवादी राष्ट्रवाद के लिए नहीं, इवन सेकुलर नेशनलिज्म के लिए भी इसका इंपोर्ट क्या है? दूसरा, जो इन्हीं के टाइम पे और उस वक्त पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे ज्यादा उसको फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया की, वो था जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ डायलॉग किया, जिसको आप कहेंगे मुशरफ फार्मूला के आधार पे पाकिस्तान के साथ एक समझौता करने की प्रक्रिया थी, जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट थे पोरस बॉर्डर्स, शेयर्ड सॉवरेंटी, ऐसे कॉन्सेप्ट थे। तो अपनी प्रभुसत्ता को, जिसको आपने भारत का एक अक्षुण्ण अंग कहा है, उसको एनिमी के साथ शेयर करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट बन सकता है? ये किस तरह से इस स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट को अपने आप को हिंदू को परम वैभव पे ले जाने वाले अभियान की जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको मान्यता दे सकती है? तो आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो साधारण तौर पे जो आम हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक वो वैचारिक स्तर पे है नहीं। और हमारे लिए एक विडंबना होती है कि भाई हम इस बात को माने या नहीं माने, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने साल से हिंदुओं ने अलाउ किया आहिस्ता आहिस्ता से, इवन रीजनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, भाई संघ का जो वर्चस्व बढ़े, इवन लोकल लेवल पे भी बातों को लेके। और उन्होंने अपनी जगह समझा, अपना हित समझा कि भाई हमको एक अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एक ऑर्गेनाइजेशन को उभारना है जो टोटैलिटी में ब्रॉडर हिंदू इंटरेस्ट को देखे। अब जब वो संस्था पावर में आती है और उसके अगर इस तरीके के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप कम से कम इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका आइडियोलॉजिकल सबवर्शन हो चुका है, इसका विघटन हो चुका है। अच्छा, राम माधव उस विघटन के तंत्र का मेरे हिसाब से एक एक्सप्रेशन है। और राम माधव अब इस, जब उनको मालूम है कि आज हिंदुओं की हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है, उनको मालूम है कि हम वो एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं रहे हैं, हम एक डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहे हैं जो हमारी पब्लिक इमेज के विरुद्ध है, तो उसके लिए उनको बीच बीच में टैक्टिकल ये एक्सप्रेशन देने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मोहन भागवत के 4 ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, आपको लगेगा कि इसको ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी यार, कभी कभी आपको लगेगा यार ये तो हिंदुओं के विरुद्ध ही सारा सब कुछ हो रहा है। बीच में कभी वो डेमोग्राफी पे कोई स्टेटमेंट देंगे, डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है, आप एकदम से दिल शांत, आप बोलते हैं नहीं नहीं शायद बात तो है बाहर से, कभी कभी तो ये बात करते हैं। ये प्रक्रिया सिस्टमैटिकली हिंदुओं के साथ डिप्लॉय की गई, जो आपने कहा ना कि इसने बीच में एक आर्टिकल लिखा, बीच में अगर ये आर्टिकल लिखा, जहां अगर ये 3 चीजें हैं जिहाद की, मान लीजिए जिहाद काफिर और जो उन्होंने बात कही है जिहाद उम्मा और काफिर उम्मा और जिहाद की बात है, अगर ये बात है कि उनको छोड़ना चाहिए, अगर ये मुसलमान, तो फिर ये बात कि अपने देवी देवताओं की पूजा बंद करके हमको फिर अब एक ही भारत माता की पूजा करनी, ये कहां से आया, ये कहां से ये बात आई है कि हमको अब तुष्टिकरण नहीं करना है, हमको एक तृप्तिकरण करना है, ये कहां से ये बात आई है कि भाई जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। ये क्या साधारण वक्तव्य है?
हम उनको कोई घृणा वाले स्टेटमेंट देने की बात नहीं करते हैं। अगर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि भाई मैं अपनी सुबह, वो हिंदू हैं, अपने आप को बड़ा सनातनी हिंदू कहते हो, कहते हैं मैं सुबह अपनी जो प्रार्थना में हूँ प्रातःकाल में, मैं कलिमा भी पढ़ता हूँ। देखिए आपके सामने लक्षण है एक परवर्शन के, आपके सामने एक लक्षण है आइडियोलॉजिकल मॉलिफिकेशन के, और ये एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटजी, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी उन्हीं लक्षणों को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इनके लिए प्रॉब्लम है कि हिंदू कंसोलिडेटेड तरीके से इनको अब मान्यता दे दे, तो बीच में ऐसी बात जो राम माधव का आपने ये शेयर किया, ये बहुत से ऐसे इनके एक्सप्रेशन के बाद एक आ गया आर्टिकल, बहुत से लोगों ने सोचा हो अब राम माधव को अकल आ गई है। नहीं, ये आपकी या मेरी टैक्टिकल मॉडिफिकेशन के लिए, हमको ये कहने के लिए नहीं, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, आप हमसे विमुख ज्यादा नहीं हो, अंतोगत हम आपके ही हैं, इस भ्रम में हमको रखने के लिए इस प्रक्रिया को डिप्लॉय किया जाता है। अभी अच्छा, जो जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं, मेरे माइंड में आ रहा था कि अभी रिसेंटली जो हरियाणा में दंगे होके हटे हैं, वहां पर भी आप देखें कि टारगेट करके हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है। उनका एक मामन खान मेवात के एरिया का ही एमएलए है, वो विधानसभा में बोलता है कि इसने, मोनू मनेसर ने हमारे 3 लोगों को मारा है, अगर ये वहां आ गया तो हम इसको प्याज की तरह खोल के रख देंगे। ये विधानसभा में बोलता है, जो कि गुंडों वाली भाषा होती है। अब मोनू मनेसर, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर मोनू मनेसर ने कुछ किया है तो उस पे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो चलेगा, अगर प्रूव होता है तो ठीक है। ये तो आप गुंडों वाली भाषा विधानसभा में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद होता गया। अब ये आप कल्पना करके देखें कि मेवात का जो एक आम जिहादी है उसके लिए तो कितना बड़ा क्लू है ये कि यार मेरा तो एमएलए ये बात बोल रहा है, तो अपने को तो जो करना वो कर ही देंगे। और जब सारा कुछ होता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वहां पर हिंदू गए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां लड़ने तो जाएंगे नहीं, उन पे हमला होता है। हरियाणा की विधानसभा में 87 कहने को हिंदू विधायक हैं, एक के मुंह से भी बोल नहीं छूटता कि ये हिंदुओं पे हमला हुआ है, कि मुसलमानों ने किया है। तो ये जो इम्बैलेंस है कि वो तो गलत होते हुए भी छाती ठोक के बोलते हैं कि हमने किया, और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ठीक होते हुए, सच्चे होते हुए, ऑनेस्ट होते हुए भी उनमें कभी साहस नहीं होता कि वो इस बात को कर सके। तो ये जो धिम्मीफिकेशन है, इसके चलते क्या हम कभी भी सोच सकते हैं कि हिंदू वापस कश्मीर में जाके सेटल हो जाएगा? इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं जो आपने ये प्रश्न एक बड़ा प्रश्न रखा। पहली बात, मैं जो मैं समझता हूं कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैंने आपको आपके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि भाई एक स्ट्रेटजी को अनफोल्ड किया गया आर्टिकल 370 के हटने के बाद, और उसके 3 आयाम थे। एक आयाम था उसका कि भाई लोकली कैसे एंगेज करें, नेशनली हमको क्या करना और इंटरनेशनली क्या करना। जहां तक नेशनल इंटरनेशनल बात है, नेशनल लेवल पे जो डिस्टेबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो लगभग मुझे लगता है कि वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक बीच बीच में जिहादी वायलेंस के लक्षण, बिल्कुल ब्लाट लक्षण आपके सामने रहते हैं, हम हर जगह उनको आइसोलेटेड इवेंट्स के रूप में लेते हैं, हम उनकी कंटिन्यूटी को नहीं देखते। तो जो शाहीन बाग के बाद एक बड़ी डिस्टेबलाइजेशन दिल्ली के नजदीक अब हो गई, जिसको डायरेक्टली आप मुस्लिम डिस्टेबलाइजेशन कहेंगे, वो नूह में हो गई। हम कोशिश करेंगे, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका अपनी सोच है, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इवन कांग्रेस के जो आइडियोलॉग्स हैं उनकी, मैं जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वो उसका एक बड़ा सेक्शन इसकी कॉन्टिन्यूटी को नहीं देखते, इसके ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखते, इसकी कॉन्टिन्यूटी को नहीं देखते, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, मैं ये समझ कहीं पे अभी हाल ही में एक जगह सेमिनार था, तो मेरे को कहा आप जिहाद द विनेबल वॉर पे आप बात कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि जो सारे लोग हिंदूवादी थे, सारे लोग बहुत समझदार लोग थे, अच्छे लोग थे, अपने अपने क्षेत्र में
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि कम से कम मैं अपने दिल की बात उनको कहूँ, समय कम था। तो मैंने कहा कि पहली बात है, क्या हम मानते हैं कि जिहाद एक युद्ध का रूप है हिंदुओं के खिलाफ, और इसको मानते हैं क्या हम एज एन इंफॉर्मेशन मानते हैं कि एज ए फिनोमिनन मानते हैं? हाँ जी, क्या हुआ? वो तो पिछले साल मुजफ्फरनगर में एक राइट हुआ, अब नू में हुआ, पिछले 10 साल में 5 राइट्स हो गए, तो ये एक इंफॉर्मेशन, ये एक फिनोमिनन को समझने वाली बात नहीं है। जो ये नू में हुआ, जो शाहीन बाग में हुआ, इसका आइडियोलॉजिकल कंटेंट क्या है, इसकी कंटिन्यूटी क्या है, ये कहां पे मिल रहे हैं, इसका किस तरह से और इसका टारगेट किस तरह से कोई भी हिंदू हो सकता है और किसी भी जगह पे हो सकता है, इस फिनोमिनन को समझना मुझे लग अभी तक जो सोचने समझने वाले हिंदू हैं, बड़े अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, काम कर रहे हैं, वो इसको अभी एक इंफॉर्मेशन मानते हैं, इसको एक फिनोमिनन नहीं मानते, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, अगर जिहाद को नहीं माना तो फिर हम लॉन्ग कंटिन्यूअस जिनोसाइडल वॉर को भी नहीं मानेंगे। हिंदुओं को खत्म करने की एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया शुरू हो गई, 1000 साल से चल रही है, इसकी एक निरंतरता है, हमारी नजरों के सामने ऐतिहासिक तथ्य है कि एक एक करके हिंदुओं का एक एक भूखंड खत्म हो रहा है और अपनी पेस पे जिहाद चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो जिस समाज के माध्यम से काम करता है उस समाज की इंडोक्ट्रिनेशन को और उसके लिए उसकी तैयारी को कभी कम नहीं करता है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप की व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करके इस जिहाद को चलाता है। ये जो सारी प्रक्रिया है जिनोसाइड को न मानने की, डिनाई करने की, ये निहित है। अंत सरकार की बात छोड़िए, हम लोग अभी भी जिनोसाइड को नकार रहे हैं, हम समझते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, अब कश्मीर का हिंदू जाए रहे, अब नौकरी तो उन्होंने दे दी। हम हिंदू को जब एक इस्लामिक तंत्र के यर्गमाल रखा जाए, उस प्रक्रिया को हम समझते हैं एक टैक्टिक है। इमेजिन कीजिए, मैं हाथ जोड़ के सबसे आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, 4 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदू थे पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त, जिन लोगों ने और जिन नेताओं ने यह कहा कि अब पीस होनी चाहिए, वो वहां पे रहे, हम यहां पे रहेंगे, उन्होंने कितना बड़ा पीस के लिए, हमने 40 लाख की बात नहीं, 4 करोड़ की बात नहीं, मर जाए, खप जाए, अगर अब मैं मुझे यहां पे शांति, हम इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, हमारी सोच कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है कि जब हम जिहाद के साथ डील कर रहे हैं हमको किस तरीके की एक रेजिलियंस दिखानी। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं कि भाई ये बुजदिली है, ये ना समझिए, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, या ऐसा मान दीजिए कि जब एक मॉर्टल कंबैट अनलीश होता है, एक ऐसा युद्ध है जो अनलीश होता है, मॉर्टल कंबैट से मेरा मतलब यह है कि जो जहां पे दोनों में से एक को खत्म होना है तभी युद्ध अंत होगा, ये मॉर्टल कंबैट हमारे साथ सामने है। इसमें हम दूसरे के खत्म होने की बात छोड़िए, इसमें हम नॉर्मल डेटरेंस को भी क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तो करते क्या है, हम इसके प्रति अपने आप को नंब करते हैं, हम इसके प्रति एनेस्थीसिया करते हैं, हम इसको भूलना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि अब इसकी अतिशय इसका जो क्लाइमेक्स है वो खत्म हो गया, अब तो नॉर्मल टाइम आएगा। इस तरह से बार बार हमने केरला से लेके कश्मीर तक इसको डील किया है, यही प्रक्रिया अभी भी चल रही है, भाजपा भी अभी भी यही प्रक्रिया चला रहा है। भाजपा के लेवल पे एक विषम परिस्थिति है, वो समझता है यार जाएगा कहां है हिंदू, दूसरे साइड से कांग्रेस है, तो अगर वायलेंस कहीं पे होती है और अगर हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट चलाने के बावजूद भी, उस वायलेंस के कारण हम ही को फायदा है, क्योंकि उसको जाने की कोई परिस्थिति नहीं है, उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, कांग्रेस के पास वो जा नहीं सकता, अब जहां पे नूह में जिन लोगों पे ये हो गया वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे नहीं, और भाजपा उनके लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करने वाला नहीं, कोई ऐसी बात जो उनकी बात है। देखिए आपके सामने ये हरियाणा में जहां पे ये जो ये बेल्ट है वहां पे इस्लामिक एक्सपेंशन को जबरदस्त रेजिस्टेंस मिली है पुराने समय में, वहां पे उन्होंने एक नो गो एरिया बनाया, नूह एक हिंदुओं के लिए नो गो एरिया बना है,
वहां के लोगों से पूछे, और ऐसे कितने नोगो एरिया कश्मीर के बाद बने। अब हम क्योंकि आपने इस समस्या का कश्मीर के साथ जोड़ के किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिहाद जब अनलीश होता है कहीं पे, एक तो हो गया कि जहां पे उनका ओवरवेलमिंग फोर्स है वहां पे वो कोई स्पेस छोड़ते नहीं है, कितने लोगों को मारना कितने लोगों को नहीं मारना ये कोई इश्यू ही नहीं है, इट नेवर कम्स इनटू देयर माइंड। इसलिए अगर इंडिया में कोई मुसलमान जिहाद के बारे में सोचता, वो ये नहीं सोचता है कि मुझे यार 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को मारना है और मेरे पास उतना पावर नहीं, उसकी मानसिकता उसका फ्रेम वैसा होता ही नहीं है। हिंदुओं के लेवल पे क्योंकि संस्कृति के मान संस्कार डिफरेंट, हम समझते हैं यार क्या करें, कितने करोड़ लोगों को मार सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने समझा कि सारे मुसलमान इसके साथ, जो सत्य नहीं है, लेकिन अगर हमने मान भी लिया, तो दो तरीके की सोचें काम कर रही है। अब इसमें जब जिहाद अनफोल्ड होता है ये मॉडल के रूप में, ये इंकर्शन के रूप में होता है, एक एक्सपेरिमेंटेशन होती है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में उनको ये तय करने के लिए कि हमको अंतोगत्वा हिंदू को निकालना है, इसको पर्च करना है किसी भी तरीके से, अंदर की राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके, डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये करके, और बाद में जिसको आप कहें कि टेररिस्ट वायलेंस को अनलीश करके इनको निकालना है। ये करते करते ये इस सारी डिस्टेबलाइजेशन में इनको लगभग मान लीजिए 6 से 7 दशक लगे। फिर ये सोच जब ये मॉडल कंप्लीट हो गया और उन्होंने टेस्ट किया कि इंडियन स्टेट ने कैसे एक्ट किया, हिंदुओं ने कैसे एक्ट किया, गवर्नमेंट ने कैसे एक्ट किया, जब ये उन्होंने देख लिया, तो उसके बाद दूसरा मॉडल एक्सपेंशन का मॉडल, तो जम्मू को टारगेट में ले लिया, हिंदू बहुल जम्मू को टारगेट में लिया, और 30 साल में ही इसको डिस्टेबलाइज किया। वहां पे एक छोटी सी पॉपुलेशन को उनको 70 साल लगे टोटली डिस्टेबलाइज करने में, फिर 30 साल के अंदर ही उन्होंने डिस्टेबलाइज किया जम्मू को, और जम्मू में जम्मू बहुल प्रदेशों में, जम्मू के हिंदू बहुल प्रदेशों में लगता है कि भाई ये तो एनसर्कलमेंट चारों तरफ से है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि ये ब्लॉक हो गया, रोंगिया आ गया, अब उनके सिटीजन ही बन गए, जो जम्मू की एनसर्कलमेंट हो गई वो परमानेंट हो गई, जो वहां जिन्होंने वहां पे जमीनों पे कब्जा किया उनको कोई हटाने वाला नहीं है। ये मॉडल उनके सामने, वो देखते हैं कि स्टेट कैसे एक्ट करता है, स्टेट कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता है। तो बाद में तीसरा मॉडल शुरू, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जिहादी डिस्टेबलाइजेशन बहुत तेजी से पूरे इंडिया में चल रही है, ये स्पिल ओवर होता है, ये दुनिया की एक एक्सपीरियंस है कि पहली बार जब अलकायदा ने अमेरिकन टारगेट्स पे एम्बेसीज में अटैक किया, अमेरिकन ने कैसे सोचा, फिर जब उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला किया अमेरिकन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, एक एक रिस्पॉन्स के बाद उन्होंने एनिमी के रिस्पॉन्स को देखा, और बाद में अपने जिहादिक इंटेंसिटी और जिहादिक वॉर के एक्सपेंशन को उसके हिसाब से डाल दिया, और 9/11 हो गया। पूरी दुनिया में ये सर्कल चल रहा है, इंडिया में ये बिल्कुल अगर आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क फ्रेम में देखेंगे, हिस्टोरिकल फ्रेम में देखेंगे, अगर ज्यादा मेडिवल टाइम्स का आप नहीं देखेंगे, खिलाफत की मोमेंट से उससे पहले जो एक अभियान शुरू हुआ और खिलाफत के बाद मान लीजिए उसके बाद जो चला भारत के विभाजन का, ये कांस्टेंट एक एक मॉडल एक एक अप्रोच को डिप्लॉय करके उसको देख के कि भाई हमारे टारगेट पॉपुलेशंस ने टारगेट ग्रुप्स ने कैसे एक्ट किया, वो कैसे चलती है, उसको देख के इस वक्त जो ये चल रहा है ये एक बिगर डिस्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया है जो आपने नूह की बात की। और मॉडल उनका है सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ जिहाद इन कश्मीर, और उस सक्सेस की पराकाष्ठा क्या है कि भारत सरकार ही कह रही है कि भाई जिहाद का जो लक्ष्य था जिनोसाइड, हम इससे अपनी आंखें मूंद लें, इससे बड़ी विक्ट्री कुछ नहीं हो सकती है। अगर भारत सरकार ही मानती है कि जिनोसाइड के बारे में बात न करना यह एक स्ट्रेटजिक इंपरेटिव है, इससे बड़ी विक्ट्री क्या हो सकती है। तो वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक बिगर टाइम स्पैन में अपने गोल्स को रख रही हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को देख रही हैं। हम एक बहुत ही न्यूनतम टाइम में अपने ऑब्जेक्टिव को रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई मॉडिफिकेशन के माध्यम से किसी तरीके से कोई हम पीस का एक वातावरण खड़ा करें, उसके माध्यम से हम इसको कर पाएं। तो ये सिलसिला चल रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता से एक क्रिटिकल टाइम पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, हम एक टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जिस दिन वो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक उन्होंने हमारे नेताओं को इस हद तक धीमी बना दिया, इतना डरा दिया है कि वो जिहाद कहते हुए डरते हैं, वो ये कहते हुए डरते हैं कि इस्लाम एक आइडियोलॉजी के रूप में हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त करना चाहता है, तब तक ये उनका सबसे बड़ा सक्सेस है। और जब तक, अब अगर इसको हम उल्टा करें कि जब तक हम इस तरह के नेता खड़े नहीं कर सकते जिनमें साहस हो कि वो बात ही खुल के बोल सकें, तब तक हम एक लूजिंग वॉर में हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत बार, मैं नॉर्मली डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स में मैं उतना नहीं करता हूँ, ब्रॉडर फ्रेमवर्क में बात करता हूँ जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में। जब भी बात की, मैं आपको एक बात कहूंगा, और ये मुस्लिम राइटर्स ने लिखा है जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में, उन्होंने दो बातें की हैं। एक बात जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है इम्प्लिसिट विक्ट्री, और दूसरी कही जाती है एक्सप्लिसिट विक्ट्री। एक जो विजय है, जो बिल्कुल आप जिसकी उद्घोषणा आप कर सकते हैं, जो बिल्कुल सामने है, एक विजय है जो बिल्कुल सामने नहीं है लेकिन विजय ही है। वो कहते हैं कि जिहाद में सिर्फ ये दो कल्पनाएं हैं, इम्प्लिसिट विक्ट्री एंड एक्सप्लिसिट विक्ट्री। अब इम्प्लिसिट विक्ट्री क्या हुआ? इम्प्लिसिट विक्ट्री है कि भाई वहाबी रिजीम सऊदी अरेबिया में चाहती है कि वो अपने जो उनका वहां पे मक्का में उनका जो कोर ये एरिया है, मक्का में जो उनका एक किस्म से उनका गर्भगृह है, उनका कोर टेम्पल है, इसको खतरा है कि कोई मुसलमानों का कोई और ग्रुप इस पे कब्जा ना करे, क्योंकि ये पावर का भी एक सेंटर है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए फ्रांस को बोला कि आप इसकी प्रोटेक्शन करो, या अमेरिकन को बोला कि भाई आप सऊदी अरबियन रिजीम की, जब तक हम स्टेबलाइज हो जाएंगे तब तक आप हमारी सुरक्षा का की व्यवस्था रखो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था रखो। और अमेरिकन ने मान लिया। इसके बावजूद के वहाबीज पूरी दुनिया में जो पैसा खर्च कर रहे थे वो अमेरिका को खत्म करने वाला ही पैसा था, उनके यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में पैसा खर्च कर रहे थे, उनके यूनिवर्सिटी सिस्टम में कम्युनिस्ट के साथ अलायंस कर रहे थे, और हर जगह ये कोशिश कर रहे थे कि भाई जहाद वहाबी परस्पेक्टिव्स के लिए एक स्पेस बने, और स्पेस बने, और उसकी अल्टीमेटली जो प्रोजेक्शन था वो था कि अमेरिका ग्रेट सैटर्न है, इसको अमेरिका को अंतोगत हमको खत्म करना, ये आइडियोलॉजिकल उसका बिल्कुल डिक्लियर ऑब्जेक्टिव वहां भी मोमेंट का था। अब वो देखते हैं कि यार हम जिहाद कर रहे हैं, हम ये सारा पैसा खर्च कर रहे हैं अमेरिका को खत्म करने के लिए, और अमेरिका को हमने कन्विंस किया कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए हमको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे दे। ये हो गया इम्प्लिसिट विक्ट्री। वो कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है वही हमको बचा रहा है, वही हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्सप्लिसिट विक्ट्री हो गई जो मान लीजिए सीधा तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस को निकाल दिया कहां से, या तालिबान ने कामयाब हो गया इन इट्स अलायंस विद अदर फोर्सेस कि सोवियत यूनियन को वहां से निकाल दिया। अब ये जो इम्प्लिसिट विक्ट्री है, इस इम्प्लिसिट विक्ट्री का इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में जिहाद की कंसिस्टेंटली इम्प्लिसिट विक्ट्री हुई है। 47 में पाकिस्तान का बनना एक एक्सप्लिसिट विक्ट्री थी, भारत के ही गर्भ में से उन्होंने एक इस्लामिक राज्य का निर्माण किया जिसका लक्ष्य है, जो अपने आप को नया मदीना कहता है, और जिसका लक्ष्य है कि जिस तरह से मदीना से इस्लाम आगे फैला उसी तरह से पाकिस्तान से अब ये क्योंकि नए मदीने का की यही एक कल्पना है, नए मदीने का और कोई कंध बोलते हैं बड़ी इजालिटेरियन सोसाइटी, वो ऐसा कुछ नहीं है। नया मदीना था कि मदीना से हमने फैसला किया अब हम जिहाद के फातिहा के स्वरूप को विश्व के सामने लाए, ये दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ जिहाद। अच्छा, इंडिया में जू ही 47 में अब पाकिस्तान बना, उसी वक्त हमने अब यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक पान इस्लामिश के हाथ में किया, आजाद के हाथ में किया, और उनको एडवाइस करने के लिए कम्युनिस्टों के हाथ में दिया। इससे बड़ी इम्प्लिसिट विक्ट्री क्या होगी? कश्मीर में हिंदुओं को खत्म किया, अब वहां पे कश्मीर के हिंदुओं को मुसलमान के हवाले करने की बात को जो सरकार कर रही है उसको हम समझते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटजिक ऑप्शन है, ये तो इम्प्लिसिट विक्ट्री है। जो हमारी सरकार खुद कहती है कि हम जिहाद को नहीं देखेंगे, हम टेररिज्म को नहीं, टेररिज्म को रिलीजन के
टेररिज्म को इसी ईटियोलॉजी या इसके रीजन के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये तो इम्प्लिसिटी, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक कंटेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए ये आगे आने वाले समय जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, जो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, उनके पास वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, एक डिफीट को, एक सब्जुकेशन को, एक कैपिटुलेशन को वो कैसे स्ट्रेटजी मानते हैं। दुनिया में, विश्व में अगर कोई कंट्री है जो कैपिटुलेशन को स्ट्रेटजी मानता है वो इंडिया है। और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे अगर कोई सबसे आगे है जो कैपिटुलेशन को स्ट्रेटजी कहता है वो बीजेपी इस वक्त है। देखिए कांग्रेस का मुसलमान के साथ मुस्लिम वोट के लिए उस सारी प्रक्रिया को चलाना, उसको बीजेपी और संघ ने कहा अपीजमेंट, और हमको वो मानती है कि हम ये समझे कि ये स्ट्रेटजी है। राम माधव जैसे व्यक्ति को हवाले करना अपनी स्ट्रेटजिक थिंकिंग, वो कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये एक प्रक्रिया चल रही है परवर्शन की। बिल वॉर्नर ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया, उन्होंने एड्रेस किया कि भाई ऐसा क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अल्टीमेटली इस्लाम के लिए सिंपथाइजर्स वेस्टर्नर्स ही हैं, ऐसी क्या बात है कि वहां के स्कॉलर्स क्रूसेड्स की बात करते हैं लेकिन वो बात नहीं करते हैं कि क्रूसेड एक रेस्पॉन्स था इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप, ये बात नहीं करते हैं। या वहां के स्कॉलर्स ये क्यों कहते हैं कि क्रूसेड्स ज्यादा क्रूवल थे और जो इस्लामिक एक्सपेंशन था वो लेस क्रूवल था। तो उन्होंने जब इस बात को देखा, उन्होंने कहा कि यार अल्टीमेटली मैं इस बात पे मैंने देखा कि भाई जो मेडिटेरेनियन सी में जो जो जहाज वेस्ट के डुबाए गए थे उसके माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि ये जिहादी वॉर हमारे सारे मैरिटाइम ट्रेड को खत्म करने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू थी। और जब वो प्रक्रिया इस चरम पे पहुंची कि हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत कम हो गई, तो खराब हो गई, तो वो कहता है आतंक के कारण, डर के कारण वो ऐसा लिखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। इंडिया में इस डर की प्रोसेस को आप देखेंगे अक्रॉस है। हम कहते हैं कि ये नहीं है, हम इसको इंटेलेक्चुअल आवरण देने की कोशिश कर रहे हैं, ये डर है। और डर हिंदुओं के बीच में, आप कहेंगे आप, मेरी सोच है कि हिंदू रेजिस्टेंस अगेंस्ट इस्लाम, इसका व्याख्यान जिसको कहना चाहिए थे लोगों तो वो हमने कहा नहीं, इट हैज बीन अ ग्लोरियस चैप्टर, लेकिन हिंदू माइंड का एक सेगमेंट क्रिपल्ड है, वो हारा हुआ है, आतंकित है। जो भाजपा कर रही है, संघ कर रही है, एक हारी हुई मानसिकता का सूचक है, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक कंटेंट नहीं है। जिनोसाइड को इग्नोर करना और जिनोसाइड को माइग्रेशन कहना, इससे बड़ी विक्ट्री जिहाद की कभी नहीं हुई है, ये इंडिया में हुई। जी ठीक बात है, एग्रीड। और मैं वापस वहीं पे चलता हूँ कि जब तक हम इस तरह से घुटने टेकते रहेंगे, हमारे नेता घुटने टेके रहेंगे, धिम्मी हो जैसा व्यवहार करेंगे, तब तक ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिससे उसमें हमारी जीत होना संभव नहीं है। एक एमपी अगर बन जाता तो वो लोग होके अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखता है, हालांकि वो झूठ के दम पे रखता है लेकिन रखता है। इतने सारे बैठे होते हैं, कोई चूं करने का साहस नहीं करता। तो जब तक हम नहीं चेंज करते, तब तक ये जो वॉर जो हमारे ऊपर कांस्टेंट जिहाद का ऑनस्लॉट हो रहा है, उसे हम पराजित नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, फिर आपसे चर्चा करेंगे, अभी मुझे लगता है कि हम आज लंबी हो गई हमारी डिस्कशन। वापस एक बार मैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रहा हूँ कि जो अभी बात हो रही है कि वहां पर एक फाइल खुली है केवल जस्टिस गंजू के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने की, तो अब किसी भी कारण से खुली, उनकी इलेक्टोरल कंपल्शंस हैं या जेन्युइन डिजायर है कुछ करने की, वो हम नहीं जानते, लेकिन क्या एक फाइल खुलने से सब कुछ ठीक हो सकता है या इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है?
पहले डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया जो हमारी भारत सरकार की पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये चर्चाएं चली हैं जब हॉलोकास्ट हुआ और उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना और उसके बाद जिसको आप जानते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो ट्रायल्स, वहां पे एक सबसे बड़ी बात उनके सामने आई कि भाई अगर हम इन घटनाओं को, जाति संहार की, नरसंहार की घटनाओं को जब हम ये करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या। तो एक प्रॉब्लम जिसकी उन्होंने शिनाख्त किया, वो प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि भाई विक्टिम कहां से सबूत लाएगा ये कहने के लिए मेरे साथ क्या हुआ। तो एक बात को उन्होंने अपने सिस्टम में बनाया जिनोसाइडल, जो कि भाई जो उस वक्त कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई जिनोसाइड का प्रतिरोध करने के लिए और उसको पनिश करने के लिए, अंतोगत्वा जो यूनाइटेड नेशंस में जो कॉन्वेंशन है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड के माध्यम से जो सामने आया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई विक्टिम का सिर्फ इतना कहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हमको अपने जस्टिस सिस्टम की, जब हमने जिनोसाइड मान लिया है ये हुआ है, उसके बाद विक्टिम का ये कहना कि मेरे को किसी ने मारा है या मेरे साथ, तो ओनस अ बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होना चाहिए। जब आपने जिनोसाइड विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, मान्यता दी, वो उस पे होना चाहिए। इसके आधार पे ट्रायल्स चली, न्यूरमबर्ग ट्रायल चली। आयुष्मैन के बारे में कुछ लोगों ने बोला कि आयुष्मैन ने हमको मारा, तो आयुष्मैन को प्रूव करना था कि उसने नहीं किया। तो जब हम नॉर्मल क्राइम की बात नहीं कर रहे, हम कॉमनल वायलेंस की बात नहीं कर रहे, हम जिनोसाइड की बात कर रहे, और जिनोसाइड हिंदुओं के साथ होता रहा है भारत आजाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ये हमारी धरती पे कश्मीर में हुआ, सामने हुआ। जब तक ना जिनोसाइड को मान्यता दे के हम जिनोसाइड के का कानून बना के उसके अंतर्गत ये चीजें इन्वेस्टिगेशन करें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना ही हो सकता है कि ऐसी हत्याओं को थोड़ा बहुत बिगर फ्रेमवर्क में देख के आपको और भी तथ्य मिले इस बात के लिए कि भाई ये घटना कोई लोकल असैसिनेशन घटना नहीं थी, ये लोकल असैसिनेशन से बड़ी घटना थी और इसका स्वरूप बड़ा था, ये आपके सामने आएगा। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने जेन्युइनली नीलकंठ गंजू के बारे में भी अगर ने जेन्युइनली कोई इन्वेस्टिगेशन की, यही आयाम सामने आएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जो आपने धीमी हुड की बात की या धीमी चूड़ की बात की, जो धीमीज है, जो ये भी एक फिनोमिनन है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। धीमी ही जस्टिफाई करता है अपने परपेट्रेटर को, दिमी ही अपने आप को इंडाइट करता। आपने भी देखा नू में हरियाणा गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने खुद कहा क्या भाई हमको क्या जाना था, जो हम प्रोसेशन में गए तो हथियार लेके क्यों गए, उसको कहां से मालूम है कि हथियार थे, किस इंक्वायरी के आधार पर उसने कहा, सेल्फ इंडाइटमेंट। और इस सेल्फ इंडाइटमेंट के आधार पर डिमिट्यूड का एक मेन, उसको लगता है कि सेल्फ इंडाइटमेंट करने से मैं पीस को विन करूंगा, या उसको लगता है कि मैं दुश्मन की तारीफ करके मैं पीस कर सकता हूं। ये हमारी व्यवस्था में, राजनीतिक हमारी जो व्यवस्था है, इसमें डिमिट्यूड का बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। हम एज डिमीज बिहेव कर रहे हैं, एक बड़े पैमाने पे बिहेव कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग इस साइकोलॉजिकल ग्रिप से बाहर है, लेकिन आपको जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के मेजर एक्टर्स लगेंगे, आप देखेंगे कि वो टिपिकली डिमिट्यूड के दायरे में काम करते हैं। और डिमिट्यूड की जो मानसिकता है, ये जिहाद की विक्ट्री है। एग्जैक्टली। आशा है आपकी बात को सुने और इस पे असर पड़े किसी पे, यही आशा करते हैं। मेरी ओर से और दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों से निवेदन, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और सहयोग करते रहें हमारे साथ। और जो जिन बातों को अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इनको इंटरनलाइज करें, समझें और आने वाली पीढ़ियों को जरूर बताएं। इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।